नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अप्रैल 2020 महीने की सैलरी और पेंशन पेमेंट की डेट में SBI के द्वारा बदलाव किया गया है। सेना में 20 अप्रैल से क्या क्या होगा चालू, ये दोनों बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की जानकारी का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो SBI के द्वारा ई सर्कुलर 15 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था, जिसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है चेंज इन सैलरी एंड पेंशन पेमेंट डेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। सैलरी पेमेंट 28 अप्रैल 2020 को एंड पेंशन पेमेंट डेट 29 अप्रैल 2020 को रखा गया है। दोस्तों, इस चेंजमेंट इसीलिए किया गया है कि बजट 2020 जब पेश हुआ था, उसमें जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उसकी जो टैक्स स्लैब में चेंजिंग किया गया था, उस टैक्स स्लैब को जो SBI का HRMS है, जो सॉफ्टवेयर है HRMS, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसमें ये टैक्स पेयर की जो भी बदलाव है उसको अपडेट करने के लिए, HRMS के पैचेज को अपडेट करने के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम SBI के द्वारा उठाया गया है। दोस्तों, अप्रैल महीने की जो सैलरी है आपको 28 अप्रैल 2020 को दे दी जाएगी और जो आपका पेंशन का पेमेंट है वो 29 अप्रैल 2020 को दे दी जाएगी। इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास भेज दिया गया है ताकि उस पर एक्शन हो सके। दोस्तों, अब दूसरी खबर हम बात करते हैं सेना की तरफ से। दोस्तों, लॉकडाउन 2.0 के कारण, जो आप सबको पता है कि ये लॉकडाउन 2.0 इफेक्टिव है 3 मई 2020 तक, इसके बीच सेना की तरफ से ये DGMO ब्रांच है वो आदेश निकाला है COVID-19 को लेकर के, इंस्ट्रक्शन नंबर 9, वो 15 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। दोस्तों, उसमें ये बताया कि 19 अप्रैल 2020 तक सेना का कोई मूवमेंट नहीं किया जाएगा, 20 अप्रैल 2020 के बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा जो भी इसेंशियल वर्क है उसके बारे में। दोस्तों, 20 अप्रैल 2020 के जो 3 मई तक है उसमें सिर्फ जो ऑफिस वर्क्स है उसमें 50% एक्सटेंड के साथ काम होगा। और इसमें बता दें कि जो लॉकडाउन के दौरान जो खुलने वाले हैं, जो फंक्शन में रहेंगे, वो है सिर्फ मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट और जो हॉस्पिटल्स है उसके पूरे स्टाफ के साथ वो अपना इस्टेब्लिशमेंट है जो काम करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, बात करें तो ऑल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ है उसको 3 मई 2020 तक उसको सस्पेंड कर दिया गया है, और जब तक फ्रेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर नहीं आता तब तक उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और दूसरी तरफ बात करें तो जितने भी सोशल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, जितने भी है सबको सस्पेंड कर दिया गया है 3 मई 2020 तक। जब तक अगला आदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं आता है तब तक इसको बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही जानकारी थी। वीडियो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।